जय हिंद दोस्तों। मिड कैप का स्टॉक जो 129 नंबर पर रैंक्ड है, कंपनी का नाम है यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड। और आज हम उस स्टॉक के ऊपर स्टडी करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो लाइक ऑलवेज चलते हैं फंडामेंटल पे और फंडामेंटल्स चेक करेंगे। और उसके पहले कंपनी करती क्या है, यूनाइटेड ब्रूवरीज इज प्राइमरली एंगेज इन द मैन्युफैक्चर परचेज एंड सेल। बनाती है, परचेज भी करती है और सेल भी करती है, बियर के कारोबार में है एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। जी हाँ, मैन्युफैक्चर परचेज एंड सेल ऑफ बियर एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, ये कंपनी का कारोबार है। अब फंडामेंटल्स चेक करेंगे। मार्केट कैप 31,904 करोड़, स्टॉक की पीई 271, 52 वीक लो 859 और 52 वीक हाई 1,330। अब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर्स चेक करेंगे और पिछले 3-4 क्वार्टर्स का नंबर जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें देखने मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जी हाँ, जो हमारे सबसे काम की चीज़ें जो हाईलाइटेड है वो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट। तो पिछले 3-4 क्वार्टर को देखेंगे तो जून में -96 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया था, फिर बाउंस बैक हुआ सितंबर में 40, फिर बड़ा बाउंस बैक 174, फिर 262। प्रॉफिट बिफोर टैक्स -152, फिर 5 हो गया, फिर 171, फिर 145। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है। नेट प्रॉफिट 114 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव हुआ नंबर 4, फिर बड़ा बाउंस 127, फिर 97। ईपीएस लगभग -4 था, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर बड़ा बदलाव पॉजिटिव ऊपर की तरफ 4.79 एंड फिर थोड़ी गिरावट 3.67। सो नंबर्स को अगर चेक करें तो नंबर्स सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में इंप्रूव हुए, वेरस मार्च क्वार्टर में जो है थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है। एंड और एक चीज़ यहाँ पे अपडेट दे दूँ, ये जो क्वार्टर था पिछला मार्च क्वार्टर, उसका जो रिजल्ट है कंपनी का आ चुका है, क्योंकि नंबर जो है यहाँ पे मार्च 2021 दिख रहे हैं। वरना अगर रिजल्ट नहीं आते होते तो दिसंबर 2020 जो होता है वो लास्ट कॉलम यहाँ पे दिखता है। अब जाएंगे बैलेंस शीट में और बोरिंग्स कितनी है। बोरिंग से कंपनी के पास अराउंड 115 करोड़ का कर्ज है। सो मार्केट कैप अराउंड 31,900 करोड़ का, उसके सामने जो कर्ज है सिर्फ 115 करोड़ का, छोटा सा कर्ज। सो कर्ज के मामले में कंपनी, इसको हम लाइक यू नो बढ़िया कंपनी है, बिकॉज कर्ज कंपनी के ऊपर काफ़ी कम है। एसेट्स अराउंड 5,850 करोड़ के एसेट्स, सो तगड़े एसेट्स कंपनी के पास। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के पास 57.72, FIIs यानी विदेशी निवेशक लगभग 10.25, DIIs घरेलू निवेशक लगभग 10, गवर्नमेंट के पास 16.15 और पब्लिक के पास 6.22। अब देखेंगे क्या प्रमोटर के पास मार्च 2018 में कितना था, 73 था लगभग, अब 57 हो गया, कम हो गया। FIIs के पास लगभग 17 था, अब कम होकर 10 हो गया सिर्फ। DIIs के पास 3.75 था बट अभी हो गया 10। सो प्रमोटर्स और FIIs की होल्डिंग कम हुई है, वेरस DIIs की बड़ी है। एंड गवर्नमेंट की पहले ऑलमोस्ट 0.6 था, अब 16 हो गई है, गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट है। साथ ही पब्लिक के पहले 5.45 था, अभी 6.22 हो गया है। सो DIIs, गवर्नमेंट और पब्लिक को इस स्टॉक में अभी भी रुचि है और धीरे धीरे करके होल्डिंग बढ़ रही है। अब जाएंगे चार्ट पैटर्न्स पे और जानने की कोशिश करेंगे लेवल्स कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग पिछले एक साल का चार्ट है और लेवल्स जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हाथ में मैं ले लेता हूँ ब्रश और सारे चार्ट पैटर्न्स को क्विकली ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बना लिया कर्व, यहाँ बना लिया और एक कर्व, फिर स्टॉक ने यहाँ पर बना लिया एक ट्रायंगल, ओके, फिर यहाँ बना लिया और एक कर्व, और यहाँ कर्व बनाने के बाद स्टॉक ने जो है अपने ट्रेंड की शुरुआत की और स्टॉक चला गया सीधा ऊपर। एंड यहाँ जो है स्टॉक ने तोड़ दिया दम एंड स्टॉक सीधा वन वे एक ही रास्ते से नीचे आ गया। एंड फिर स्टॉक ने किया यहाँ पर और एक कर्व, और डीप में जाएंगे एंड देखने मिलता है ये कि स्टॉक ने लगा दिया यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल। अब देखने क्या मिल रहा है, देखने मिल रहा है ये स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना लिया है यहाँ पर, दैट इज ये जो हाई था 5 अप्रैल का, और वो हाई क्या है 1238। मैं वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 1238, ओके। इस लेवल को मैं लिख देता हूँ। अब आपको अगर इंटरेस्ट है स्टॉक में ट्रेड करने में तो 1238 का जो लेवल है आप अपने ऐप में जिसमें भी ट्रेडिंग करते हो उसमें आप अलर्ट सेट कर सकते हो आपके ब्रोकर के ऐप में 1238, ओके। एंड यहाँ पर जो है स्टॉक जो है कर्व पैटर्न में काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कर्व में काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे यहाँ तक तो कर्व बनाया बट यहाँ पर आने के बाद स्टॉक जो है सीधा चला गया ऊपर, एक अपनी अलग ट्रेंड लाइन को देख लीजिए, अलग ट्रेंड में चला गया ऊपर की तरफ। सो स्टॉक यहाँ काम किस पैटर्न में कर रहा है वो भी देख लीजिए, और वो है ये स्टॉक पूरी तैयारी जो कर रहा है वो है असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट की। जी हाँ, असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है उसकी तैयारी कर रहा है स्टॉक। अब नीचे की तरफ स्टॉक का स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूँ इस ट्रेड पे, एंड दैट इज दिस स्टॉप लॉस 1165 रुपये, ठीक है, 1165 रुपये। प्रेजेंटली जो लेवल्स है वहाँ से सिर्फ 20 रुपये की रिस्क है, ओके।
अब 1238 को निकाल देता है तो स्टॉक किस किस लेवल के आसपास जा सकता है, और वो है ये 1300। जी हाँ, 1300 इस लेवल के आसपास स्टॉक घूमना शुरू कर सकता है। अगर 1238 को स्टॉक निकाल देता है, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, इसके ऊपर बंद होता है, तो अब रिस्क की अगर बात करें, रिस्क रिवॉर्ड की, तो यहाँ पे डाउनसाइड अगर देखें तो 2% की रिस्क है, वेरस अपसाइड अपसाइड को अगर हम चेक करें तो 1185 से लगभग लगभग 8 से 10% का रिवॉर्ड है। सो रिस्क रेशियो के, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी काफ़ी फेवरेबल दिखता है स्टॉक। सो अगर आपको आपको ट्रेड करना है, ट्रेडिंग बेट कोई ढूंढ रहे थे पिछले दिनों में, तो ये है आपके सामने पेश यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड। साथ ही एक ही चीज़ कहूँगा, डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस को हमें हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि हमारा जो कैपिटल है वो मेन है। अगर कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा तो हम मार्केट में बने नहीं रह सकते। सो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।